हेलो, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम रिसर्च एथिक्स के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग पेपर वन का यूनिट टू का पार्ट है और ये न्यूली एडिड टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल से रिलेटेड और इसके अलावा और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट metaeducation.co.in को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री कोर्सेज, फ्री पीडीएफ फाइल्स और क्विजेस भी एक्सेस करने को मिल जाएंगे। देखिए, रिसर्च एथिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा एथिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है। एथिक्स को हिंदी में नीति बोला जाता है या फिर आचार विचार के जो भी व्यवहार के जो नियम है वो एथिक्स हमारे कहलाते हैं। किसी भी सोसाइटी के या फिर पीपल के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कि हमें कोई काम कैसे करना है, कोई एक्टिविटी को किस तरीके से हमें करना है, उसके लिए क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें एथिक्स के अंतर्गत आती हैं। एथिक्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। एथिक्स कोई भी सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसी पर्सन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के व्यवहार को या जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं या उन सारी चीज़ों को गवर्न करते हैं कि हमें क्या करना सही होगा और क्या करना सही नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को जो रूल कर रहा है वो एथिक्स कहलाते हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जैसे डॉक्टर्स के कुछ अलग एथिक्स रहते हैं, रिसर्चर्स के कुछ अलग एथिक्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। अब ऐसे ही अगर रिसर्च एथिक्स की बात करी जाए तो ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिसर्च को रिस्पॉन्सिबल फॉर्म में करने के लिए। मतलब जिम्मेदारी से अगर हम कोई रिसर्च करेंगे तो उसके लिए हमारे क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो हमारे रिसर्च एथिक्स कहलाते हैं। इट एजुकेट्स एंड मॉनिटर रिसर्चर्स कंडक्टिंग रिसर्च टू इंश्योर अ हाई एथिकल स्टैंडर्ड। ये रिसर्चर को जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो कैसे हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अपना सकें, मतलब किस तरीके से नीतिगत तरीके से वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें, वो रिसर्चर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी रिसर्च को मॉनिटर कर सके कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिसर्च एथिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्च एथिक्स उन सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब हमारे यहाँ है जो भी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे प्रिंसिपल हैं उसी के आसपास हमारे सारे एथिक्स रहते हैं, तो वो चाहे किसी सोसाइटी के लिए भी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। रिसर्च एथिक्स इज नॉट जस्ट रिक्वायरमेंट्स रिटन इन अ डाइजेस्ट और कोड ऑफ एथिक्स बट ऑल्सो द रिसर्चर्स फिलोसफिकल एंड वैल्यू पोजिशन as well as the discussion continuing for many decades and learning from painful mistakes as shown by the review of the history of research. Research ethics केवल किसी book में लिखे हुए या कहीं लिखे हुए quotes नहीं है जो कि हम follow करने पड़ते हैं। ये researcher को philosophy प्रदान करते हैं कि उसे कैसे अपना काम करना है और उसके साथ साथ ये जो भी research ethics बनाए गए हैं वो पुराने समय से history में जो भी researches होती आई हैं, तो किसी रिसर्चर ने कुछ गलत कर दिया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे उसके बेसिस पे ये एथिक्स बने हैं। जैसे कुछ लोग मिलके काम कर रहे थे और उन्होंने अपना जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया, किसी रिसर्चर को नुकसान हुआ, किसी को किसी ने कोट नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे बनती गई तो उसके एथिक्स बन गए कि हाँ आपको ऐसे काम करना है जिससे कि दूसरे रिसर्चर्स को घाटा ना हो, नुकसान ना हो। आपको इस तरीके से काम करना है कि किसी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो सैंपल आपने लिया है, उनको किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। तो इस तरीके से पूरा एक हमारे रिसर्च एथिक्स हमारे पास आ गए कि हमें कैसे रिसर्च को करना है और उसमें क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च एथिक्स की वो देखते हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट एम ऑफ रिसर्च दैट इज एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। मेन इम्पोर्टेंस है जो रिसर्च एथिक्स की वो यही है कि हमें रिसर्च के एम को बढ़ाना है आगे, और जो कि हमारा है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। सेकेंड है टू सपोर्ट द वैल्यू रिक्वायर फॉर द कोलोबरेटिव वर्क। हमारे को जो भी कोलोबरेटिव वर्क हमने साथ में किया है, मतलब दो तीन लोगों ने साथ में या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में जो काम किया है उसको एक वैल्यू प्रदान करना रिसर्च एथिक्स का काम है। टू प्रोटेक्ट डेटा को प्रोटेक्ट करना, एनोनिमिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स को बनाए रखना, मतलब जो सब्जेक्ट या जो सैंपल हमारे साथ में जुड़ा है वो
एनोनिमस रहे, उसकी आइडेंटिटी को हम छुपा के रखें, वो हमारा एक मेन पर्पस होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखें एंड द एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट्स एंड रिटेन इट। और जब भी हम कोई सोशल साइंस की रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारा जो मेन पर्पस रहता है वो सोसाइटी से रिलेटेड रहता है, तो उसमें पीपल को शामिल करना ज़रूरी होता है, लोगों को शामिल करना ज़रूरी होता है। तो उनसे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं कि उनको कोई हार्म ना हो, उनकी आइडेंटिटी छुपी रहे, उनकी कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी छुपी रहें, हम वो सोसाइटी के सामने ना लाएं, बट रिजल्ट हमारा हमारे को लेके आना होता है। तो जो एक रिलेशनशिप होता है रिसर्चर और जो सब्जेक्ट है उनके बीच में, तो अगर वहाँ पर ट्रस्ट वर्दीनेस रहेगी तभी जाके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपने अच्छे तरीके से डेटा को दे पाएंगे, इन्फॉर्मेशन रिसर्चर को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस रिलेशनशिप को, ट्रस्ट वर्दीनेस को बनाए रखना और रिसर्चर और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में उस ट्रस्ट वर्दीनेस वाले रिलेशनशिप को बनाए रखना और उसे बाद में भी कायम रखना, ये एथिक्स हमारे को बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट्स राइट्स एंड वेलफेयर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, डैमेज एंड और थ्रेट्स अपेयरिंग बिकॉज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर्स। जो भी रिसर्च प्रोसीजर है उसके द्वारा जो भी पार्टिसिपेंट हैं या जो सब्जेक्ट है उसको कोई भी परेशानी ना हो, ये हमें एथिक्स बताते हैं, रिसर्च एथिक्स। जैसे हम क्वेश्चन एयर वगैरह फिल करवाते हैं तो वो ऐसे ना हो, इतने लेंदी ना हो कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें फटेक हो, या फिर उसके अलावा जो हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे उन्हें डिस्कम्फर्ट हो। और अगर हम ऐसी डिस्कम्फर्ट इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं किसी रिसर्च के थ्रू, रिसर्च के लिए, तो हम उनको पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखने का पूरा विश्वास दें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द रिसर्चर्स टू कैरी आउट अ लॉफुल रिसर्च एंड रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंटिंग और सपोर्टिंग रिसर्च। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स के राइट्स की बात कर ली, उसके अलावा रिसर्चर के भी कुछ राइट्स होते हैं जो हमें एथिक्स के थ्रू मिलते हैं। टू गेट द फंड्स एंड पब्लिश योर वर्क इन अ रेपुटेटेड जर्नल। एथिक्स हमारे लिए इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को जब भी कोई जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कराना होता है तो वहाँ वो मांगते हैं कि आपने जो भी काम किया है उसके आपने कहीं से परमिशन ली है। अगर आपने कोई सर्वे किया तो सर्वे के लिए आपने कोई एथिकल प्रोसीजर अपनाया था कि कहीं से आप परमिशन लेके आपने वो सर्वे कंडक्ट किया है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी एथिक्स इम्पॉर्टेंट है। टू मेक द रिसर्चर अकाउंटेबल फॉर देयर रिसर्च, एथिक्स एक रिसर्चर को अकाउंटेबल बनाते हैं उसके काम के लिए। टू एनहांस द ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी इन द रिजल्ट्स, अब जब रिसर्चर पूरे एथिकल वे में काम कर रहा है, ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ में काम कर रहा है, बाइज नहीं है अपने काम के प्रति, तभी जाके सोसाइटी उसके रिजल्ट्स पर ट्रस्ट कर पाएगी। बट अगर ऐसा है कि कुछ एथिक्स नहीं है, मैनिपुलेशन हमने डेटा के साथ में कर दिया और अपना रिजल्ट आउटपुट के तौर पे दे दिया, तो सोसाइटी उस रिजल्ट पर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो एथिक्स जो है वो सोसाइटी को भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, जो भी रिसर्चर ने काम किया है वो एथिकल फॉर्म में किया है और सही काम किया होगा, इसलिए उसके रिजल्ट्स भी वैलिड होंगे। टू सपोर्ट द इम्पॉर्टेंट मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। अब फाइनली जो मेन काम है किसी भी रिसर्च का, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, तो जो एथिक्स है वो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज को भी संभाल के रखने के लिए रिसर्चर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हमें काम करना है जिससे कि सोसाइटी की मॉरल एंड सोशल वैल्यूज बनी रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी एथिक्स की। अब जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेसनेस। तो देखते हैं कि रिसर्च में एथिक्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टली रिपोर्ट डेटा। अब ऑनेस्टी कहाँ पे होनी चाहिए, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं डेटा की, तो वो डेटा ऑनेस्टली हमें रिपोर्ट करना चाहिए, रिजल्ट्स ऑनेस्टली बताने चाहिए, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हुए बढ़ना चाहिए आगे, एंड पब्लिकेशन स्टेटस। और जो भी आपका पब्लिकेशन स्टेटस है वो भी आपको ऑनेस्टली बताना चाहिए सभी को। डू नॉट फैब्रिकेट, फॉल्सिफाई और मिस रिप्रेजेंट डेटा। हमें डेटा को ना तो फैब्रिकेट करना है, मैनिपुलेशन नहीं करनी है उसमें, जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हें गलत तरीके से नहीं प्रेजेंट करना है और ना गलत तरीके से डेटा को बताना है। ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षता। अब ऑब्जेक्टिविटी कहाँ कहाँ होनी चाहिए, स्ट्राइव टू अवॉइड बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आपको कभी भी बायस नहीं होना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए, डेटा एनालिसिस करने में आपको बायस नहीं होना चाहिए,
डेटा को इंटरप्रिटेट करने में बाइस नहीं होना चाहिए। एनालिसिस के थ्रू जो आपके पास रिजल्ट आए उनको प्योर फॉर्म में इंटरप्रिटेशन करना चाहिए विदाउट बाइसनेस। पीयर रिव्यू अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरा फ्रेंड है या ये कलीग है या सीनियर है, तो इनका जो भी हम डेटा को पीयर रिव्यू कर रहे हैं उसमें मतलब उसको पास कर दें। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आपको उसमें सही ऑब्जेक्शन क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। किसी भी एस्पेक्ट में आपको बाइस नहीं होना है, ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी है हर जगह, निष्पक्षता रखनी है। थर्ड है केयरफुलनेस, सतर्कता। आपको हर जगह सतर्क रहना है रिसर्च के काम में। केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन योर ओन वर्क एंड द वर्क ऑफ योर पीयर्स। अगर आप अपना काम भी एग्जामिन कर रहे हैं या अपने पीयर्स का काम एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको केयरफुली और क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है। कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। जब भी आपने कोई भी रिसर्च एक्टिविटी करी है उसका डेट, टाइम, ड्यूरेशन सभी को अच्छे तरीके से केयरफुल वे में रिकॉर्ड करते रहिए, जिससे कि वो आपको जब आप फाइनल उसका लिखें कंटेंट या थेसिस लिखने जाए तब आपको हेल्पफुल रहेगा। अवॉइड केयरलेस एरर एंड नेग्लिजेंस। कहीं भी ना सैंपल सेलेक्शन में, ना मेथड सेलेक्शन में, ना डेटा कलेक्शन में आपको केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि केयरलेस एक बड़ा एरर है जो आपको कहीं पर भी इन तीनों में, या तो मेथड आपने गलत सेलेक्ट कर लिया या डेटा कलेक्शन के टाइम पे आप एरर कर रहे हैं, इन सारी जगहों पे आपको प्रॉब्लम देता है अगर आप केयरलेस तरीके से काम कर रहे हैं तो। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके वर्क में। कीप योर प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट्स, एक्ट विद सिंसियरिटी। सिंसियरिटी के साथ में आपको काम करना है। स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन, और आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी रखनी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट रिजल्ट, परिणाम संप्रेषित करें। जैसे कि हमारा जो रिसर्च है उसका मेन पर्पस यही होता है कि नॉलेज को आगे बढ़ाना, जो भी रिजल्ट आए उनको आगे डिसेमिनेट करना, जिससे कि जो नॉलेज है उसमें एनहांसमेंट हो सके। तो पब्लिश इन ऑर्डर टू एडवांस रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, नॉट टू एडवांस जस्ट योर ओन कैरियर। आपको जब भी काम अगर अपना पब्लिश करना है तो केवल ये नहीं देखना है कि मेरे 10 पेपर हो जाए, मेरे 12 पेपर हो जाए, इस टाइप से आप अपना कंटेंट या अपने जो वर्क है उसको पब्लिश करें। आपको पब्लिश करना है अगर आपके पास अच्छे रिजल्ट आए हैं, मतलब रिजल्ट आए हैं आपके पास प्योर प्रॉपर फॉर्म में। ये नहीं कि आपके एक ही रिजल्ट को आप 10 तरीके से प्रेजेंट कर दें। अवॉइड वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन। इसका मतलब यही है कि आपने एक बार डेटा कलेक्शन कर लिया उसी को 10 तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग रिसर्च करिए और उसके अलग अलग पेपर बनाइए। क्वालिटी पर ध्यान दीजिए ना कि क्वांटिटी पर, यह है मेन इसका जस्ट। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा का सम्मान। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से यह मतलब है कि जो भी जिसका वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसको हमें प्रॉपर क्रेडिट देना है। उसके वर्क, किसी के भी वर्क को हमें चुराना नहीं है। ऑनर पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जो भी पेटेंट है, कॉपीराइट्स है या कोई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो प्रोसीजर है उनको यूज़ करो, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू नॉट यूज़ अनपब्लिश डेटा, मेथड्स और रिजल्ट विदाउट परमिशन। हमें अनपब्लिश डेटा जो है या अनपब्लिश जो वर्क है उसको कहीं पर भी विदाउट परमिशन यूज़ नहीं करना है। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। अगर किसी को क्रेडिट देना है तो हमें वहाँ देना चाहिए, ये नहीं कि हमने उसका क्रेडिट अपने नाम कर लिया। नेवर प्लेगराइज, और कभी भी किसी भी वर्क को प्लेगराइज मत करो, मतलब कॉपी पेस्ट वाला चीज़ कभी रखिए मत। ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आती हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी चाहिए कहाँ कहाँ। प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन सच एज पेपर्स और ग्रांट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ट्रेड और मिलिट्री सीक्रेट्स एंड पेटेंट रिकॉर्ड्स। जो भी आप पेटेंट के लिए रिकॉर्ड आपने भेजे हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखिए। कोई और कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ में या कहीं पर, उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखिए। आपका जो डेटा कलेक्शन आपने जिस सब्जेक्ट से किए हैं उन सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखिए। ये सारी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको अपने रिसर्च में बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है ओपननेस, स्पष्टता। अब ओपननेस कहाँ होनी चाहिए? शेयर डेटा, रिजल्ट्स, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज। आपको टूल्स को शेयर करने में, अपने आइडियाज को शेयर करने में, अपने रिजल्ट्स को शेयर करने में और डेटा को शेयर करने में ओपन होना चाहिए। अब डेटा यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी की इंफॉर्मेशन देनी है, आपका जो डेटा है विद एनोनिमिटी के साथ में आपको शेयर करना चाहिए। बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज, और क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और न्यू आइडियाज को शेयर और करने के लिए और लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग।
अब यहाँ पे जो मेंटर्स हैं उनके लिए भी है कि हेल्प टू एजुकेट मेंटर एंड एडवाइज स्टूडेंट। मेंटर्स को या जो रिसर्चर हैं उनको अपने जूनियर्स को मेंटर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए या एडवाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रमोट देयर वेलफेयर एंड अलाउ देम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। और कभी भी किसी भी मेंटर को अपने डिसीजंस को अपने रिसर्चर्स पर या जो स्टूडेंट्स हैं उन पर नहीं थोपना चाहिए। उनको फ्री रहना चाहिए, रखना चाहिए कि आप अपने डिसीजन अपने आप लें। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। रिसर्चर्स की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे स्ट्राइव टू प्रमोट सोशल गुड एंड प्रिवेंट और मिटिगेट सोशल हार्म्स थ्रू रिसर्च, पब्लिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी। रिसर्चर को हमेशा सोसाइटी के बेनिफिट के पर्पस से ही सोच के अपने काम करने चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जो भी सोशल हार्म्स हैं उनको वो कम कर सके अपनी रिसर्च के थ्रू या फिर लोगों को एजुकेट करने के थ्रू। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, निष्पक्षता होनी चाहिए रिसर्च में। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, एथनिसिटी और अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू देयर साइंटिफिक कंपिटेंसी एंड इंटीग्रिटी। किसी भी प्रकार से रिसर्चर को बाइसनेस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, ना तो जेंडर के बेसिस पे उनकी रेस क्या है या किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, इस चीज़ के बेसिस पे उनके एथनिक ग्रुप से के बेसिस पे या किसी और फैक्टर पे भी रिसर्चर को बाइस नहीं होना चाहिए, उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, मानव विषय संरक्षण। मतलब जो भी ह्यूमन्स को हमने पार्टिसिपेट किया है अपने रिसर्च में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स मिनिमाइज हार्म्स एंड रिस्क एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। यहाँ पे जो रिसर्चर ने जो भी सब्जेक्ट्स लिए, जो भी ह्यूमन को पार्टिसिपेट किया रिसर्च में, उन सभी को ट्राई करना चाहिए कि उन्हें कोई हार्म ना हो, कम से कम हार्म हो, मतलब ऐसे कोई हार्म ना हो, उनके रिस्क को कम से कम करना चाहिए, उनके बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। ये कुछ है जो रिसर्चर के लिए एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी या सक्षमता, मेंटेन एंड इम्प्रूव योर ओन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपर्टाइज थ्रू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड लर्निंग। टेक स्टेप्स टू प्रमोट कॉम्पिटेंसी इन साइंस एज अ होल। रिसर्चर को अपनी खुद की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को या सक्षमता को बढ़ाना चाहिए, उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है एनिमल केयर या पशु देखभाल, शो प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एनिमल्स व्हेन यूजिंग देम इन रिसर्च। अगर किसी भी टाइप के एनिमल को आपने अपनी रिसर्च में शामिल किया है तो उनके लिए भी सेम प्रोटेक्शन और सेम रिस्पेक्ट के और केयर के साथ में आपको ट्रीट करना चाहिए किसी भी एनिमल को। डू नॉट कंडक्ट अननेसेसरी और पुअरली डिजाइंड एनिमल एक्सपेरिमेंट। किसी भी प्रकार के खराब या पुअरली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी एनिमल को हार्म हो। नेक्स्ट है लीगेलिटी या वैधता, नो एंड ओबे रिलेवेंट लॉज। आपको सारे लॉज पता होने चाहिए आपकी स्टडी से रिलेटेड एंड इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो भी गवर्नमेंट की या इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर एथिकल रिसर्च कर पाएँ। ये कुछ एथिक्स थे जो हमने डिफरेंट डिफरेंट साइट से कलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं। ये उनके रेफरेंसेस हैं, इन पर जाकर आप और इसके बारे में समझ सकते हैं। और कोई एथिक जो आपको लगता है रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप बताना चाहते हैं तो ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में कोई और एथिक्स अगर आपकी नज़र में है या आपको ध्यान है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक का वीडियो में रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर वर्क करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।